तो पंजाब चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान के बाद आज से मतों की गिनती शुरू हुई है। रामगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्र में रामगढ़ मांडू और पतरातू प्रखंड के 1076 पदों की मतगणना की जा रही है। रामगढ़ प्रखंड के वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल बनाए गए, जबकि मांडू और पतरातू प्रखंड के लिए 34-34 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। डीसी और एसपी ने मतगणना केंद्र की मॉनिटरिंग की है और लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं। रामगढ़ और मांडू के लिए 34 टेबल बनाए गए हैं, रामगढ़ प्रखंड के लिए 15 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना का कार्य जो है वो अच्छा रफ्तार से चल रहा है। 3 राउंड की मतगणना हम लोग की लगभग समाप्त हो गई है और हम लोग आज 8 बजे तक मतगणना का कार्य करेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो कल भी मतगणना का कार्य जाएगा। अब तक हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। प्रखंड मांडू प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड का जो चुनाव संपन्न हुआ था, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में उसकी मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अभी तक मतगणना काफी शांति। तीसरे और चौथे चरण की गिनती यहां पे चालू है। गांव की सरकार बनाने के लिए यहां ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 1076 पद के लिए मतगणना हो रही है। कुछ रिजल्ट आ गए हैं लेकिन अधिकतर रिजल्ट उठाना अभी बाकी है। हमारे साथ जिले की डीसी माधवी मिश्रा, उनसे जानेंगे कि गिनती का क्या रफ्तार है और क्या चीज अभी हो रहा है। जी मैडम, गिनती का क्या रफ्तार और कितने पद के लिए कब तक ये पूरी हो जाएगी? देखिए, आज 3 मतगणना का कार्य है, रामगढ़ और मांडू के लिए 34 टेबल बनाई गई है, रामगढ़ प्रखंड के लिए 15 टेबल बनाई गई है। मतगणना का कार्य जो है वो अच्छा रफ्तार से चल रहा है। 3 राउंड की मतगणना हम लोग की लगभग समाप्त हो गई है और हम लोग आज 8 बजे तक मतगणना का कार्य करेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो कल भी मतगणना का कार्य जाएगा। पिछले बार जैसे कि 2 दिन लगे थे गिनती होने में और इस बार चूंकि ज्यादा है, 3 प्रखंड का गिनती है, तो क्या ऐसा संभव है कि कल तक गिनती पूरी हो जाएगी? हाँ, कल तक हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। अब जो सुनो, डीसी माधवी मिश्रा का साफ कहना है कि कल तक गिनती पूरी हो जाएगी और जो कार्य चल रहा है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और सभी मतकर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज 11, रामगढ़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।